खबर 12 के छिपा बड़ा से, जहां पर 12 एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पुलिस थानाधिकारी के सरकारी आवास से 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, जबकि 22,000 रुपए की रिश्वत के साथ में एक कांस्टेबल फरार हो गया है। एसीबी इंस्पेक्टर ज्ञानचंद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कड़िया गांव निवासी फूलचंद मीणा ने शिकायत की थी कि एनडीपीएस के झूठे मामले में फंसाने का डर दिखाकर के पुलिस अधिकारी ने उससे 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। वहीं इस मामले में राहत देने के लिए हरनावदा शाहजी थानाधिकारी धनराज हरड़ा ने भी उससे रुपए मांगे हैं। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने प्लानिंग के तहत कांस्टेबल अणदाराम को कड़िया गांव के पास रुपए लेने बुलाया। इस दौरान एसीबी टीम की भनक लगने पर कांस्टेबल रिश्वत की राशि लेकर फरार हो गया। ऐसे में एसीबी की टीम ने अन्य सबूतों के आधार पर थानाधिकारी के सरकारी आवास की तलाशी ली, जिसमें 2 लाख रुपए बरामद हुए। फिलहाल एसीबी की टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं फरार कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार ने शिकायत करी थी तो सर, मैं गांव खड़िया करने वाला हूँ, मेरा थाना दासा जी पड़ता है, और चित्तौड़ की पुलिस आई हुई थी मेरे को तलाश करने, और वो चित्तौड़ की पुलिस थी, वरना दासा जी पुलिस को साथ लेके आई थी हमारे घर पे, और तलाश करके चित्तौड़ की पुलिस तो चली गई, और राणा दासा जी पुलिस है वहाँ का स्टाफ कह रहा है कि आप एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित हो, अगर आप 20 लाख रुपए दोगे जी तो हम आपका वहाँ से केस सॉर्ट आउट कर देंगे और आपका नाम हटा देंगे। इस बात देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।